जी के दरबार में आप सभी हाजिरी देने के लिए पधारे हैं और हमारी टीम की ओर से सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और बात ऐसी है भाई, जीवन में आदमी को पढ़ाई लिखाई का बारे में जरूर सोचनी चाहिए। मरे गयो बना पड़ियो करदार जी, एरिया में काफी सर्विस वाला है। हाँ, लेकिन फिर भी आगे भविष्य के लिए सबको पढ़ाना जरूरी है। मारी ध्यान कोई नहीं रहे, क्योंकि मैं एक बात बता दू, अनपढ़ कशियारी और मैं अनपढ़ का काई काई गलत काम है का वो बताऊ आपने कि एक बार गलती सु मैं जयपुर आ गया सवाई माधोपुर सु। अब भाई जयपुर तो आ तो गयो, लेकिन जो मैंने ले रहा है जो मारो दोस्त वो तो कणाखटी छोड़ रखी और मैं एक लाई रह गया। अब पढ़िया है था तो तुरंत पूरी प्रक्रिया सही कर लेता, लेकिन अब गेलो डुल गया कटी जावा, बड़ी मुश्किल से माने स्टैंड मिलियो। वहां से रोडवेज मिली, रोडवेज के मायने बैठ गयो। अब साहब बैठ तो क्यों पहले पहले बैठो, अब महिला सीट पर जा बैठो। गनीमत यारी कि कोई ना मोकू उठाइयो को ना भाई, ठीक से बैठे रे बाजू बड़े पागड़ी आगड़ी बांध रहे बैठे थे, छोटा मोटा आदमी थोड़ी जा। अब जो पागड़ी बांध रहे बैठियो तो थोड़ी देर में एक महिला भी एक छह सात महीना को बालक भी की गोदी में वह भी मारी बगल की सीट पा बैठी। अब रोडवेज बस सिंधी कैम सु चल दी, चाकसु पार कर गई। अब मैं बंडल काट बीड़ी उमसु निकाल करके यहां सड़गार पी बलागा। अब जी दू दौड़ो बीड़ी को उठियो, अब आप बगल में महिला बैठी जीजे अया कर बलागी नाक बोसी कोड़ बलागी। जब उस रिया नगी हो तो खी अरे बाबा मैं सुनी को, क्योंकि लोग मुंड लगाए को ना अपना काम। अब जो वह दो तीन बार कह रहे आपको शर्म नहीं आती, मैं कि ठाला पोपड़ा क्यों कर रही थी, बोल कहे कह रही थी का आपको शर्म आनी चाहिए, आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो। मैं कि किसी कानून तोड़ दियो मैंने कहा बीड़ी पी रहा तो, मैं कि बीड़ी तो कंपनियां बना रही थी हम पी रहा था। नहीं कि वो बात नहीं है, ये बस सार्वजनिक बस है, गवर्नमेंट की बस है, ऐसी जगहों पर बीड़ी धूम्रपान करना वर्जित है। धूम्रपान करना यू कहीं से मतलब बीड़ी सिगरेट मत पियो, नहीं तो कहीं जाओ। अगर आपको बीड़ी पीता किसी ने देख लिया पुलिस वाले ने तो आपको या तो दो पांच महीने की सजा हो जाओगी या 500-600 रुपये को जुर्माना लाग जाओ। अच्छा इस बस में लिखा हुआ कि हाँ कर लिखे थे एक पटवाड़ो छोरो बैठे तो जिन्हें क्यों कि बेटा इस बस में क्या क्या लिखा कर रहा मेरे को तुरंत बता। अब वो छोरो केवल आगे होगा बाबा इसमें लिखा कर रहा है धूम्रपान करना वर्जित है, शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकाले, जेब कतरों से सावधान, उतरे तो आगे मुंह करके उतरे, अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, सीटी कम करो शाम साउंड। ये कांच है साउंड अड़ान की ठेठ सुई आदत पड़ी रे थे कम होगी थी। अच्छा और करू हेलो अभी साउंड आला कहीं करे थे नरा देना से साउंड चला रहा था। अभी ये कहीं से पहले पहले साउंड सेट करे थे ना, जैसे हेलो चेक 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 ऊ बटन को ऊपर तड़ा ऊपर नीचे करते लगते हैं ऐसे हेलो चेक चेक ट्रेबल कम है बेस ज्यादा करो चेक। अब वो चेक चेक की आदत पड़ गई ठेठ सुई। अब ये यहाँ को ब्याह हो शादी है की बीदनी करो के मायने आ गई। अब ये सपना में भी हेलो चेक चेक हेलो चेक चेक। अब वो चेक की आदत पड़ी थी साउंड सेट करे तो चेक ही कहते अब बीदनी कहते अब ये चेक ही चेक करोगे एक प्रोग्राम भी। तो बात यहाँ से अब वह महिला बैठी थी वो भाई अत्री बात बता दी को भाई जेब कतरों से सावधान, उतरे तो आगे मुंह करके उतरे, शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकाले, धूम्रपान करना वर्जित है, अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। अत्री बात आप पूरी बस कमाए ने चारों मेर लिखा कारी ठीक चल भाई। अगर कानून में गलत से बात तो माने बीड़ी तोड़ताड़ फेंक दी। 15-20 किलोमीटर पर आगे बढ़ी एक्सप्रेस गाड़ी की डटे को बेटी का बाप की साटा सूट। अब वह महिला मारी बगल में बैठी थी उन्हें तुम्हारा बीड़ी को रोक खत्म करियो तो अब उनकी गोदी मोद से 5-6 महीना को बालक
छोटो सो बच्चो वो रोबो चालू हो गयो। अब तरा जोर से रोज पूरी बस नहीं माथे ले गालियो मारा भी खोपड़ो बड़क बला गयो। बगनी राखे बेटा अपनो स्टैंड आ रही चो बार उतरा चुप हो जा। लेकिन बच्चा चुप नहीं होता क्योंकि उसको भूख लग रही। अब भूख लाग रही जी बालक 5-6 महीना को बालक कोई बिस्कुट तो खाओ चो ना कोई दूध पी। अब दूध को सतो नुखा रही को ना बच्चा को। अब वह गणी राखी बच्चा ने लेकिन बच्चो रही है कौन मैं भी जाग रही भाई छोरो रो रही ही रो रही। अब वह बच्चो रो तो ही बंद नहीं होते फिर माइक नहीं है कि ला चो दूध चालू कर दी पापो। बच्चा चुप मैं जा क्यों रही कहा चक्कर बड़ी छोरो छा न मनो कुछ है छोरो तो चूक रहे दूध। मैं भी कालर के मैं कानून का उल्लंघन बंद करो कानून मत तोड़ो। बाकी के हमने कौन से कानून का उल्लंघन कर दिया मैं कि तेरे को पता नहीं है बस में लिखा हुआ है शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकाले। दादा भाई बीड़ी खूब भी लेकिन मने बगश तो एक बार जोरदार जयकार हो जाए भैरव जी के दरबार में और माता जी के दरबार में। कितनी गजब मूर्ति सजी हुई है डेकोरेशन के द्वारा। और मैं इस कार्यकारिणी को ढेर वाला कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतनी गजब व्यवस्था हम लोगों के लिए की है। और जोरदार जयकारा बोलिए जगदम्बे माता की। अया कमजोर नहीं भाई यदि जयकारो आपको जोरदार लाग तो रही हो तो माँ की बैटरिया चार्ज होती रही और बैटरी डिश की तो फिर जानो जो बैटरी डिश होने के बाद में फोन ही स्विच ऑफ है जैसे। तो जोरदार बोले कंकाली मैया की।